करवा ले, वरना तुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। जीतू मुझे डर लग रहा है। इसको चुप करवा ले वरना ये जहाँ से आई ना इसको वहीं भेज दूंगा। मुझे भेजेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? चलो कमरे में चलते हैं। नहीं नहीं मैं तो मम्मी के पास जाऊंगी। अरे डोंट वरी, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी वो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है ना एक्चुअली, तो मम्मी की वैल्यू पता चल गई है। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। वे हो नॉट अंकी, चल ठीक है जा। चलो यार मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ। हम भी सो जाते हैं। अबे यार क्यों शोर मचा रहे हो, कोई सोने भी नहीं देता। अरे क्या सो रहे हो तुम, रॉयल लगा रखी है, चलो नहा लो जाके। हाँ ठीक है। अरे दीदी देखो ये देखो ये बताओ ना इसमें से कौन सा सूट पहनूं, ये वाला ये वाला। अरे तू इतनी प्यारी है, कोई सा भी पहन लेगी ना वही अच्छा लगेगा। देखो तो हाँ ये अच्छा है, बहुत प्यारा है और इसका भी कलर बहुत सुंदर है। अच्छा वो बेटा तो उठ गई, आज तेरी हल्दी है ना, जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाए, ठीक है चल जल्दी कर। और पता है सुबह सुबह ही तेरे ससुराल से तेरी हल्दी भी आ गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। और मैं पर तू तो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। नजर ना लगे, एक सेकंड मैंने काजल लगाया। लेट्स गो लेट्स गो। अबे ओ ये प्लेट लेके जाएगी क्या? टैलेंट शुरू करो। हाँ जल्दी लगाओ हल्दी। इधर आ जा। लगा लो हल्दी अच्छे से, फिर डांस करना है। अरे इन लड़कियों को भी लगाओ। शादी का मेकअप बुकिंग हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्या? मेरी भी शादी है, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे मेकअप आर्टिस्ट कैसे अरेंज करूंगी? यार क्या बोल रही हो? अरे बट जी तो क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है?
यार वो मेकअप आर्टिस्ट उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। अरे तो क्या हो गया, हम कर देंगे ना मिलके मेकअप। पहले जमाने में हम ही तो करते थे अपना खुद का मेकअप। हाँ हम लोग खुद ही अपना मेकअप करते थे और इतने सुंदर लगते थे हम। हाँ हम कर देंगे तेरा मेकअप। अरे ये लड़कियाँ मिलजुल के कर देंगी, क्यों टेंशन कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिली ना मुझे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। हटो। अरे अरे जीतू। लो भाई लग गया चूना, डूब गए सारे कर्जे के पैसे। अरे अंकल जी एक मिनट, इतनी जल्दी इतना नेगेटिव क्यों होना है आप सबको? तुमने तो मुझे सोचने के लिए। अरे आप लोग अपने अपने कॉन्टेक्ट में कॉल करो ना, देखो अगर कुछ जुगाड़ हो पाए मेकअप आर्टिस्ट का कहीं से कुछ। हाँ गाइस जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ कॉल करो। अरे आंटी जी आप भी लगाइए ना कॉल। हाँ मेरी फ्रेंड की भी एक बेटी है, वो भी मेकअप करती है। हाँ, कॉल करो ना। यार वो तेरी मेकअप आर्टिस्ट का जुगाड़ नहीं हो पाया। अरे पर हम करेंगे ना तेरा मेकअप, पागल तुझे मेकअप आर्टिस्ट से भी ज्यादा अच्छा रेडी करेंगे और तू बहुत प्यारी लगेगी अपनी शादी में, आई स्वेयर। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तू बहुत अच्छी लगेगी। और चलो जाके हल्दी वल्दी हटा के चेंज कर ले यार, इतना इरिटेटिंग और अनईजी सा फील हो रहा है। चलो ठीक है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जा जल्दी चेंज कर ले। चल अब तुम लोग बोल रहे हो इसलिए। चलो तुम अपना काम करो, चलो जाओ सब। चलो दीदी मैं भी चलती हूँ, ठीक है। गाइस सुनो, जो मैं चांदनी चौक से लहंगा लेके आई थी उसमें कौन सा दुपट्टा जाएगा, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ मुझे भी ये लग रहा था, अब यही पहनूंगी। जाओ फिर पूछा ही क्यों। आओ मेरा बच्चा, तुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम सब है ना तेरी मेकअप में हेल्प कराएंगे। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो ठीक है, चल अब किचन में चलते हैं। क्यों? अरे मम्मी होने वाली दुल्हन से काम कराओगी आप, मुझे नहीं करना। तेरी पहली रसोई होगी तो क्या अपनी मम्मी की नाक कटवाएगी, तुझे कुछ नहीं आता होगा तो। अरे यार आप फिर से चालू हो गई। चला फटाफट चल जल्दी से, आप हलवा बनाना सिखाऊं तुझे। रुको हम भी चले क्या? हम भी चलते हैं। चलो अभी तो शादी होगी, कभी हम भी सीख ले। उठो तुम लोग ही बना लेना। रुक मैंने तो तेरे लिए सामान भी रेडी रखा है, देख। ठीक है चल अभी एक कटोरी घी डाल इसमें। मैं पूरा पूरा डाल दे, आराम से आराम से। मैं जा रही हूँ, उधर बैठ रही हूँ, बन जाएगा तो बता देना। मम्मी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब सूजी डाल। कितनी देर लगेगा मामी जी? अबे अभी स्टार्ट ही हुआ यार, कितना टाइम लगेगा बोल रही है सारा? हाँ हाँ सारे डाल दे। इसमें कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटे, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हिलाएगी ना। रुक एक मिनट पकड़ इसे। ये हल्की सी ब्राउन होगी ना? हाँ ये इससे पकड़, इसको कढ़ाई को पकड़ लो ताकि वो हिल जाए। सारा काम दुल्हन से ही करा लो आप। अब चीनी डाल दो। हो गया हो गया। ज्यादा नहीं जाएगी मुझे लग रहा है यार, इतना मीठा। अरे डाल देना सारी। ये तो लगता है खराब हो गया। नहीं हुआ भाई खराब, अभी पानी सूखेगा ना। बना क्या? बन रहा है यार। मम्मी यहाँ हाथ में चिपचिपा सा हो रहा है, हाथ धो के आती हूँ। दिख रहा है वैसे तो। ये ले तू आ गई तो अब तू कर। मामी जी बन गया क्या? बस बनने ही वाला है।
मम्मी हलवा तो शायद बन गया है, आप देखो ना शायद बुआ जी आवाज लगा रही हैं। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अब एक सेकेंड, हाँ हाँ मुझे आवाज आ रही है, आई थिंक बुआ जी आपको बुला रही है, आप जाओ, वो तो दो चार दिन के लिए आती है ना, मेहमान है, आप वहाँ पे देख लो, हम देख लेंगे यहाँ पे। और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना, और भगवान को अनसुना नहीं कर सकते ना, देखो ना। आप जाओ, हमने ये हलवा सब बना के आपके लिए लेके आ जाएंगे। चलो ध्यान से बना कर लाना, मैं आती हूँ। कर रही जो होता है ना, होने दे। तू मेरे बहनों की इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, मुझे बता। अगर तू बताएगी नहीं तो हम तेरी हेल्प कैसे करेंगे? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस बात में तो मैं भी अनु के साथ हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों को सब बता दूंगी, पर अभी चलेंगे जागृति के पास। नहीं, पहले आप भी बता, तभी चलेंगे हम जागृति के पास। ठीक है, बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। अभी वो रवि ना ब्लैकमेल कर रहा है। अरे ये तो हमें समझ आ गया है, बट क्यों? क्योंकि तो कैसी लगी आपको हमारी ये हल्दी स्पेशल वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शादी है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सो वेट फॉर इट। और हाँ, हमारी ये वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई ही होगी आपको तो शेयर भी कर देना। तो बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।